नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस क्षेत्र में रोजाना नए नए आविष्कार हो रहे हैं। एक तरह से ये काफी फायदेमंद है तो दूसरी तरफ कई बार इसके ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि शख्स की जान पर बनाती है। अब जैसे प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक शख्स ने इतनी ज्यादा मात्रा में व्याग्रा ले लिया कि वो सीधा अस्पताल के बेड पर पहुंच गया। इस शख्स की हालत ऐसी हो गई कि महज 3 महीने के अंदर अंदर इसका 2 बार ऑपरेशन हो चुका है और अब कहीं जाकर ये शख्स नॉर्मल हुआ है। आपने इस मुद्दे पर पुरुषों को छिप छिप कर बात करते हुए सुना होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर छुप छुप कर ही सही लेकिन चर्चा जरूर होती है और यही चर्चा कई बार भारी पड़ जाती है। वो कहा जाता है ना, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कुछ ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ। यौन क्षमता को बढ़ाने के लिए युवक ने व्याग्रा तो ले ली लेकिन कितनी मात्रा में लेनी थी ये उसे नहीं पता था। लिहाजा वही हुआ जिसका डर था, वो सीधा पहुंच गया अस्पताल। 28 साल के इस लड़के का अब तक 2 बार ऑपरेशन हो चुका है और ये 2 महीने इसकी जिंदगी के सबसे बदतर साबित हुए हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस युवक का ऑपरेशन किया और इसे एक नई जिंदगी फिलहाल दे दी है। हालांकि डॉक्टर्स ने ऐसा करने वाले हर शख्स को किसी भी दवाई का ओवरडोज लेने से सख्त मना किया है। ऐसा करना जिंदगी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। डॉक्टर्स ने बताया है कि इस तरीके की दवाइयों को हमेशा डॉक्टर्स की सलाह पर ही लेनी चाहिए। इस युवक ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि इसने दोस्तों के कहने पर ये दवाइयां ली। जहां इसकी डोज 25 से 30 एमजी होनी चाहिए थी उसने 6 से 8 गुना ज्यादा खुराक ले ली, जिसके बाद उसे प्रायपिज्म जैसी गंभीर बीमारी हो गई। इसके बाद प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने लगा और दर्द होने लगा और फिर युवक ने डॉक्टर से संपर्क किया। फिलहाल डॉक्टर्स ने इसका इलाज कर इसे ठीक कर दिया है, लेकिन ये हर उस युवक के लिए सबक है जो यौन क्षमता बढ़ाने के लिए इस तरीके की दवाइयों का ओवरडोज लेते हैं। याद रखिए, किसी भी दवाई का जरूरत से ज्यादा सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही उचित मात्रा में कोई भी दवाई लेनी चाहिए।